my dear student friends and colleagues. Today in this video, in this communication, the first word which is going to enrich your vocabulary is who. W-O-O. वो का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, जैसे कि इलेक्शंस के टाइम जो पार्टीज होती हैं वो अपने वोटर्स को वो करते हैं, वो उनको बहलाते फुसलाते हैं, सिलेटर्स दे रहे हैं, नई नई फैसिलिटीज दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड W-O-O, वो बहलाना फुसलाना. चाहे झूठे वादे करके कीजिए, चाहे सामान दे के करती हैं. नेक्स्ट है आपका होमोफोन, मीट, MEET, मीट, MEET, मीट. सो ये मीट होता है मिलना, जैसे यस्टरडे, जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, MEET, मीट, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ. एंड नेक्स्ट इज MEAT, मीट. दिस इज नॉन वेज, इट्स लाइक मांस कहते हैं, फ्लैश भी होता है. तो मीट यहाँ पे मांस के सेंस में है, कुछ लोग मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उस तरीके से. नेक्स्ट है आपके पास होमोनिम, राइट, RIGHT, राइट. राइट राइट मीन्स सही, जैसे योर आंसर इज राइट. एंड नेक्स्ट राइट इज लेफ्ट का अपोजिट, राइट. लेफ्ट का अपोजिट राइट, दैट इज ऑल्सो राइट. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन में द वर्ड इज कॉन्ग्रेट्स. कॉन्ग्रेट्स का मतलब होता है किसी को क्या देते हैं, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं किसी चीज़ के लिए, देन यूज द वर्ड कॉन्ग्रेट्स, राइट. सो टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज नोटिफाई, नोटिफिकेशन. सो नोटिफाई इज वर्ब, जैसे वी आर रेगुलरली नोटिफाइंग अवर पेरेंट्स रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स. तो नोटिफाई मतलब वर्ब है, अगर NOTIFY है तो आप उसको वर्ब में यूज कीजिएगा. और नोटिफिकेशन होता है नाम, जैसे गवर्नमेंट इज रेगुलरली गिविंग नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्स, ठीक है. तो नोटिफिकेशन हमारी एक क्रिया होती है, ये एक नाउन होता है, और नोटिफाई हमारा वर्ब है, उस काम को करना है. नेक्स्ट है आपका फ्रेज के जैकपॉट पे कूल कुकुम्बर. कुकुम्बर होता है ककड़ी खीरा, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कुकुम्बर. एंड कूल कुकुम्बर आप उस वर्ड को इंसान के लिए यूज करोगे जो कभी नर्वस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू एड्रेस समबडी इन द somebody, not so, some people, you are going to address some people, and then we can say that she is cool cucumber. मतलब वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. सी इज कूल कुकुम्बर, सी इज ऑलवेज कूल कुकुम्बर, मतलब सी इज ऑलवेज नॉट नर्वस, वो कभी भी नर्वस नहीं रहती. सो कूल कुकुम्बर हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो इंसान कभी नर्वस नहीं होता तो आप उसके लिए कूल कुकुम्बर यूज कर सकते हैं. नाउ कलर्स के कमाल में देखिए, ब्लैक मनी. ब्लैक मनी बहुत आम ये वर्ड है, आपने बहुत सुना होगा. ब्लैक मनी होता है इलीगल मनी, जो हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, चोरी करते हैं, या हम डाका डालते हैं, या हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, तो आप जो पैसा कमाते हैं वो आपका ब्लैक मनी होता है. नेक्स्ट इज योर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में हम वर्ड लेके आए हैं. राइट के ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, लिखने के ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. एक वर्ड होता है इंडाइट, INDIT, इंडाइट. इंडाइट का मतलब होता है रचना. जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, ये जो रचना करते हैं उसके लिए इंडाइट वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे तुलसीदास इंडाइट्स मेनी पोएम्स, या इस तरीके से शेक्सपियर हैड इंडाइटेड मैनी ड्रामास. सो रचना के सेंस में इंडाइट वर्ड होता है, INDIT. नेक्स्ट है पेन. सो पेन इज नाउन ऑल्सो, जब आप उस यंत्र की बात कर रहे हैं जिससे आप लिखते हैं तो वो नाउन का काम करेगा, लेकिन जब आप उसको एज अ पेन यूज करते हो, एज अ वर्ब यूज करते हो, तो उस सेंस में लिखना होता है. जैसे यस्टरडे आई पेन अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, कल मैंने बहुत अच्छी पोएम लिखी. तो पेन का पत्र लिखना, आई एम गोइंग टू पेन अ लेटर फॉर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए लेटर लिखने जा रहा हूँ. तो लिखने के लिए, कंपोज करने के लिए भी हम पेन वर्ड का यूज करते हैं. I hope this video is going to help you a lot in your communication. Thank you.